राग भैरवी। राग भैरवी भैरवी थाट से ही उत्पन्न हुआ आश्रय राग है। इसमें रे ग ध और नी स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी म और संवादी सा है। इसका गायन समय प्रातःकाल है। इसका आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। Ga ma pa da pa da pa da ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga ma ga ri sa ri sa ga ma pa da pa da pa ga
राग विहाग। राग विहाग की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इस राग के आरोह में रे और ध ये दोनों स्वर वर्जित होते हैं। इस प्रकार इस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति ऑर्डर संपूर्ण है। इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। इस राग का वादी स्वर ग और समवादी स्वर नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग का आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। Thank you.
राग भीम पलासी। राग भीम पलासी काफी ठाट से उत्पन्न हुआ राग है। इसके आरोह में रे और ध स्वर वर्जित होते हैं, जिसके कारण इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इसमें ग और नी स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। इसका वादी स्वर म और समवादी स्वर सा है। गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। राग भीम पलासी का आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। Mama.